हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका प्यार में एकदम खतरनाक से वीडियो के अंदर। क्योंकि जरा आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके स्नैपसीड ऐप का यूज करके आपको इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, यानी कि बेसिकली ग्लोइंग रोड इफेक्ट वाला जो है एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप जल्दी प्लीज़ सब्सक्राइब जल्दी जाकर कर देना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि किस टाइप से आप इस कमाल की एडिटिंग को कर सकते हो। चलो गाइस, सबसे पहले हमारा आपको आपका स्नैपसीड ऐप ओपन कर देना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ओपन कर देने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर बीच में प्लस वाले आइकन में क्लिक कर देना होता है। जैसे आप उसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो गैलरी है ओपन हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, गैलरी से यहाँ पर आपको सिंपल से वो वाला अपना फोटो सिलेक्ट कर देना होगा जिसको भी यहाँ पर मतलब रोड होना चाहिए यार उस फोटो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो वाला फोटो सिलेक्ट कर देना होगा। तो चलो इधर मैंने ये वाला फोटो अपना सिलेक्ट कर लिया जिसमें आप ये रोड की लाइन देख पा रहे हो, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे पहले इस पेंसिल वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद अभी आपको इस ट्यून इमेज वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो इसको क्लिक करने के बाद इस टाइप से कुछ इसकी आपको यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ी बहुत यहाँ पर डिक्रीज कर देने की, और नीचे अगर इस कॉन्स्टेंट को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा, और इस उससे बहुत थोड़ा बहुत नीचे अगर इसकी सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना होगा, देंगे एम्बियंस को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना होगा, और हाइलाइट्स को थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंक्रीज कर देना अराउंड इतना सा, यानी कि 22%, और इसकी शेडो को यहाँ पर इतना कम करके सिंपल यहाँ पर आपको राइट में जो है क्लिक कर देना होगा। चलो इधर इतना कम कर देने के बाद अभी आपको इस पेंसिल वाले आइकन में जो है क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद अभी आपको इस वाइट बैलेंस वाले आइकन में सिंपल क्लिक कर देना होगा। फिर आप कुछ नहीं करना, इसको टेम्परेचर को यहाँ पर आपको फुली 100 कर देना होगा, और सिंपल कुछ नहीं करना, राइट में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। अभी आपको ऊपर ऐसे एडिट स्टैक में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद यहाँ से व्यू एडिट्स, व्यू एडिट्स के बाद वाइट बैलेंस में क्लिक करके यहाँ ब्रश सेलेक्ट कर देना होगा, ठीक है ना। वाइट बैलेंस की आपकी जो साइज है यहाँ पर 100 होनी चाहिए, देंगे जिस टाइप से जूम इन करके अपने रोड पर ये इफेक्ट को अभी आपको अप्लाई कर देना होगा। मुझको देना सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में पूरा के पूरे यहाँ पर ये जो लाइंस रोड की बनी हुई इस पर पूरा का पूरा ये इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ। तो चलो गाइस यार, अभी आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये इफेक्ट मैंने इस पर ऐड कर लिया हूँ। तो फर्स्ट सिंपल यहाँ पर आपको राइट में क्लिक कर देना होगा, देन के ऊपर स्थिर वाले आइकन में क्लिक कर बेक आ जाना होगा। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में जो है क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से फुल आपको यहाँ पर नीचे आ जाना होगा। तो जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक लास्ट में विंटेज चीकल का आइकन देखने को मिल जाता है ये वाला। तो सिंपल इसमें आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद इसकी जो आउटर ब्राइटनेस है उसको यहाँ पर आपको कुछ इतना सा यहाँ पर डिक्रीज कर देना होगा, अराउंड जो यहाँ पर होना चाहिए यानी कि -70% होना चाहिए माइनस, ठीक है। और इसकी जो इनर ब्राइटनेस है वो भी यहाँ पर आपको अराउंड इतनी से रख देनी हुई, यानी कि 70% तक रख देनी हुई, देंगे सिंपल यहाँ पर आपको जो है राइट में क्लिक कर देना होगा। चलो इधर इतना कम कर देने के बाद अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो यानी कि पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर अगेन इस 120 वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। इसकी जो आउटर ब्राइटनेस है उसको यहाँ पर अराउंड रख देना होगा 70% तक, और इनर ब्राइटनेस को यहाँ पर आपको थोड़ा सा रखना होगा यानी कि अराउंड 50% तक, ठीक है। तो सिंपल फिर राइट में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। चलो गाइस यार, इतना कम कर देने के बाद अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में जो है क्लिक कर देना होगा। तो यानी कि क्लिक कर देने के बाद थोड़ा बहुत स्टार्ट ऊपर आकर इस सिंपल इस ब्रश वाले आइकन में जो क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद सेचुरेशन वाले ब्रश को सिलेक्ट कर देना होगा। तो सिलेक्ट करने के बाद अगेन इस रोड पर यहाँ पर ये वाला जो सेचुरेशन वाला ब्रश है इसके साथ ये इफेक्ट आपको ऐड करना होगा। रेंडमली कहीं कहीं से ऐड करोगे तो बहुत ही ज़्यादा एकदम नेचर फील आएगी। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर देना होगा, देंगे यहाँ पर राइट में भी क्लिक कर देना होगा। तो ऑल राइट गाइस यार, अभी आप देख सकते हो आपका फोटो कितना ज़्यादा प्यारी लुक में यहाँ पर एडिट हो चुका है, और ग्लोइंग रोड इफेक्ट तो भाई देख ही रहे हो आप। ये फोटो सेलेक्ट किया था और ये कर दिया। तो आई होप आपको ये वाली एडिटिंग जरूर अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अगर लाइक जरूर से कर देना। अगर आप चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना होगा इसी टाइप के कमाल के वीडियो को देखने के लिए। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, बिल्डिंग बाय बाय।